Assalamu alaikum, aspirants. I am Muhammad Asim Jasra, PSP 40th, and I'm going to analyze CSS Islamiyat paper 2023. Before this, we have recorded lecture number 96, in which we have discussed overall syllabus and past papers. Now, in the light of syllabus and past papers, I would be analyzing this Islamiyat 2023 paper. The earlier lecture is lecture number 96. If you are going to see and watch this lecture, you should also watch 96th lecture as well. Now, all these have been covered in the previous lecture. You may also have a reference to them. This is the review of syllabus. There are total 7 points, seven syllabus points. This is number one. And this is with the title Introduction to Islam. Now, this was the question that was asked in CSS 2023. What is the Quranic argument on life hereafter? What are its injection? What are its impact? What are its impact? On the individual and collective life of a human being. Now, this was about the belief. So life hereafter is covered under the Islamic belief section. So ये जो topic है, ये Islamic beliefs के अंदर से ही आया है। ये इसके बाकी जो पिछले हम देखते हैं, तो ये topic importance of deen के बारे में है, difference between deen and religion है, तो ये यहाँ से आया है। यानी इस सब पॉइंट से तो 23 का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से आया है इस्लामिक बिलीफ से। देन जस्ट एन ओवरव्यू, ये हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 96 में कवर कर चुके हुए हैं ये क्वेश्चन। इसी तरह ये व्हाट इज द बिलीफ इन द डे ऑफ जजमेंट, ये भी वही है। 21 और 23 जो है ये रिपीट हो रहे हैं। यानी 21 में भी ये क्वेश्चन आया जो 23 में आया है, इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लाइव्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। इस्लामियात का जो पेपर है मोस्टली ये पिछले जो साबका पेपर्स हैं वहाँ से ही रिपीट होते हुए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ईद के बारे में क्वेश्चन 2019 में आया, और कम्प्रिहेंसिव नोट ऑन हज, हज का तल्लक इबादात से है, तो ये यहाँ से समझे, यहाँ से ये क्वेश्चन आया है इस्लामिक वर्शिप से। Then coming to write a comprehensive notes on Hajj and Zakat system. Zakat is also a worship, and again Zakat. Then this is prayer and its different categories. Now syllabus number 2, the study of Sirah of Prophet Muhammad, peace be upon him, as role model for. इसमें ये जो military strategist है 2023 में जो क्वेश्चन आया वो यहाँ से आया। दिस वाज 2023 क्वेश्चन, डिस्कस द होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम रोल एज ए मॉडल फॉर मिलिट्री स्ट्रेटजी, और ये 2016 में भी ये आ चुका है। अगेन ये हम पहले लेक्चर में बता चुके हुए हैं, आई वुडंट बी रिपीटिंग दैम। डिस्क्राइब हजरत मोहम्मद एज ए प्रॉफिट ऑफ पीस फॉर द कंटेम्प्रेरी ट्रांसनेशनल वर्ल्ड, ये क्वेश्चन भी हम रिपीट कर चुके हैं। ये क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी बता चुके हुए हैं लेक्चर नंबर 96 में। सो जो तीसरा सिलेबस का टॉपिक है ह्यूमन राइट्स एंड स्टेटस ऑफ वुमेन इन इस्लाम, इसके बारे में क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आया है 23 में। एलेबोरेट ऑन द राइट्स ऑफ डॉटर्स ग्रांटेड बाई इस्लाम एंड हाउ दीज आर डिनाइड बाई मुस्लिम्स इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये सारे क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि हम इसको सॉल्व करेंगे। और हम इस्लामियात को अभी आने वाले लेक्चर में इस्लामियात के ऊपर ही बात होगी। तो आई वॉज अवे बिकॉज ऑफ सम ऑफिशियल कमिटमेंट एंड नाउ आई विल बी बैक। राइट नोट्स ऑन दी फॉलोइंग, ये क्वेश्चन भी इसी से आया है। ह्यूमन राइट्स इन द लाइट ऑफ द सरमन ऑफ फेयरवेल पिलग्रिमेज, खुतबा हजतुल विदा की रोशनी में इंसानी हकूक, ये भी हम सॉल्व करेंगे। ये भी ह्यूमन राइट्स से तलक है, सोशल जस्टिस इन इस्लामिक सोसाइटी। ये 23 यानी इस टॉपिक से 23 ये टॉपिक नंबर 3 से 2 क्वेश्चन जो है आप कह सकते हैं कि आए हैं। देन इसके बाद ये जो टॉपिक है इस्लामिक सिविलाइजेशन, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया टॉपिक नंबर 4 से। अच्छा, टॉपिक नंबर 5 से क्वेश्चन आया है, इस्लाम एंड वर्ल्ड एंड रोल ऑफ राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म। ये जो टॉपिक पड़ा है राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, यहाँ से टॉपिक कुछ इस तरीके से आया, व्हाट आर द मोटिव्स ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, हाउ कैन सोसाइटी गेट रिड ऑफ एक्सट्रीमिज्म बाय फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको बड़ा अच्छे तरीके से अटैम्प्ट किया जा सकता है। और ये जो है आगे 2021 में 2 क्वेश्चन आए हैं इसी पोर्शन से। छठा टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन कोई नहीं आया। इसके बाद आते हैं 7वां टॉपिक, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से आया है, डिफाइन इजमा एंड एक्सप्लेन इट्स डिफरेंट काइंड्स, कैन लेजिस्लेशन बाय ए पार्लियामेंट ऑफ एन इस्लामिक स्टेट बी रिगार्डेड एज ए वैलिड कंसेंसस। तो ये क्वेश्चन आया है, काफ़ी इंटेलेक्चुअल एफर्ट डिमांड करता है ये वाला जो है टॉपिक इन अटेम्प्टिंग इट, बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। एंड देन इसके बाद मिसलिनियस पोर्शन में ये क्वेश्चन आया है, एनालाइज द चार्टर ऑफ मदीना एज ए सोशल कंट्रैक्ट। सो ये क्वेश्चन आए हैं जो कि मैंने बता दिए। जस्ट आपको एक दफ़ा क्विक राउंड 23 के क्वेश्चन 23 में जो क्वेश्चन आए, दिस वाज द क्वेश्चन विच वाज आस्क्ड इन 23, देन दिस वाज द क्वेश्चन एंड देन this was the question, rights of daughters, and again this was the question, khutbah hajjatul vida, human rights in the light of the sermon of the holy prophet of farewell pilgrimage, or social justice in an Islamic society, and then this was the question, extremism is a very important topic, and lastly the question was about ijma के बारे में क्वेश्चन एंड पार्लियामेंट का जो रोल है उसके बारे में था कि क्या पार्लियामेंट में जो लेजिस्लेशन है कैन इट बी रिगार्डेड एज ए वैलिड कंसेंसस, वैलिड इजमा। एंड लास्ट क्वेश्चन वाज एनालाइज द चार्टर ऑफ मदीना एज ए सोशल कॉन्ट्रैक्ट। सो ऑल द एस्पायरेंट्स कीप इन टच, we are resuming our journey of covering the syllabus of Islamiyat, and you can note the important points. These lectures are delivered and uploaded on this forum after thorough research. Thank you all.